आमची लढाई यमआयएम सोबत आहे, खैरेन सोबत नाही. ज्यांनी खैरेंना मत दिलं त्यांनी यमआयएमला मत दिलं असं वक्तव्य आमदार संजय सिरसा यांनी महायुतीचे उमेदवार संदीपान भुमरे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना पत्रकारांशी बोलताना केला. आज हमारे महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे साहब ने एक मुहूर्त के तौर पे उनका अर्ज दाखिल किए. ये अर्ज दाखिल करते वक्त भाजपा के नेता, आठवलेगढ़ के नेता, मनसे के नेता, राष्ट्रवादी के नेता, ये सभी नेतागण उपस्थित थे. 25 तारीख को सवेरे 11:30 के करीबन माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आने वाले हैं और उनके हाथ से भी एक अर्ज 25 तारीख को 11 बजे भरा जाएगा. सिराज खैरे साहब ने भरा अर्ज, ऐसी भी चर्चा है और इसलिए आप. अरे ये उम्मीदवारी की डेट है, खैरे साहब ने भरा तो क्या कुछ अलग को थोड़ी किया. नहीं भरेगा तो घर को बैठेगा, ऐसा थोड़ी चलता है. फॉर्म तक किस हर एक भरना है, 25 तारीख का डेडलाइन है, उसके पहले हर कोई आके अपना फॉर्म भरेगा. सर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि लोकसभा का मतदान मत करो, इसके ऊपर क्या? वो आदित्य ठाकरे ने क्या कहा, क्यों कहा है अब वो जाने. लेकिन एक बात जरूर है, जिन्होंने शिवसेना प्रमुख के विचारों का दहन किया है, उनको विचारों को मतलब दूसरे के पल्लों में जाके जो जिसने डाला है, जिसने वो गद्दारी की है, उनका इसका कामजा उनको भुगतना पड़ेगा. राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ जाने से क्या हालत होती है आज उनके चेहरे पर नज़र आ रही है. फ्रस्ट्रेशन में ये सब बातें कर रहे हैं. आज उनको लग रहा है, आज उनको पता चल रहा है कि धनुष्यबाण को मतदान मत करो ये बोलने में कितनी तकलीफ होती है. इसलिए हमारा विजय निश्चित है और हमारी लड़ाई भी, हमारा ये खैरे वरे इनसे नहीं है, हम यमान के साथ हमारी लड़ाई है. जो खैरे को वोट करेगा इसका मतलब वो यमान को वोट करेगा.